हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिंड्रेल माउंटेड अर्थ लीकेज रिले विद एक्सटर्नल सीबीसीटी, इसके बारे में, इसके कनेक्शंस कैसे करने हैं, इसकी सेटिंग्स कैसे करनी है, उस पर डिस्कस करेंगे। एज़ यूजुअल सीबीसीटी के थ्रू सारे कनेक्शंस जाने हैं थ्री फेज एंड न्यूट्रल, और अगर सिंगल फेज का कनेक्शन है तो सिंगल फेज की वायर और न्यूट्रल वायर इसके थ्रू जाना है, अर्थ वायर इसके थ्रू पास नहीं करना होता। तो ये तो रहा सीबीसीटी का। सीबीसीटी से जो दो तारें आ रही हैं वो रिले के टॉप साइड पर आपको दिखेगा S2 और S1 कनेक्शन यहाँ पर लगेंगी। S1 S2 आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। यहीं पर ही दो रिले आउटपुट जो हैं उनके कनेक्शन दिए गए हैं NCCNO NCCNO। रिले 1 ट्रिप होती है जब अर्थ लीकेज से एक अलार्म सेटिंग है वो एक्सीड हो जाती है, और जो फाइनल अर्थ लीकेज सेटिंग है उसके एक्सीड होने पर रिले 2 ऑन हो जाती है। ऑक्सिलरी सप्लाई नीचे लेफ्ट साइड पर लगेगा, बाकी कनेक्शंस को इग्नोर कर देना है, इनमें कोई कनेक्शंस करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसकी सेटिंग्स देख लेते हैं और क्या क्या इस पर दिया गया है। हेल्दी LED जब अर्थ लीकेज सेटिंग से कम होगा, एक्चुअल वैल्यू जो यहाँ पर डिस्प्ले पर भी आएगा, तो ग्रीन LED जलती रहेगी, और जैसे ही थ्रेशोल्ड क्रॉस होगा अलार्म थ्रेशोल्ड, तो रिले 1 ऑन हो जाएगी, और जो अर्थ फॉर लीकेज की सेटिंग क्रॉस होगी तो रिले 2 ऑन हो जाएगी। अब हम इसकी सेटिंग्स देख लेते हैं। मिडल बटन जो है वो मेन्यू बटन है, अप डाउन से हम वैल्यूज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो पासवर्ड आएगा, पासवर्ड 1000 है, इससे हम वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं, डिजिट को इससे रिड्यूस कर सकते हैं, और जैसे ही एक डिजिट का काम हो गया तो मेन्यू बटन दबाकर हम नेक्स्ट डिजिट पर आ सकते हैं। तो 1000 पासवर्ड है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अब ये सेटिंग आ गया ELC अर्थ लीकेज करंट की सेटिंग, इसके बाद है ALR अलार्म सेटिंग, टाइम डिले सेटिंग और रीसेट सेटिंग। तो सबसे पहले हम अर्थ लीकेज सेटिंग को चेंज करते हैं। अभी ये 3 एम्पियर पर है, सपोज हम इसको 1.2 एम्पियर करना चाहते हैं तो हम 3 को रिड्यूस कर सकते हैं इस बटन से, और अब इसको बढ़ाना है तो अप बटन से हम इसको 1.2 कर देंगे, और 0.0 को कुछ नहीं किया जाएगा। इसमें आप डेसिमल को भी ब्लिंक चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारी वैल्यू कुछ अलग होती, 0.75 और डिजिट डेसिमल अगर यहाँ पर होता हमारा, तो हम इसको अप डाउन की मदद से यहाँ पर ला सकते हैं। तो 1.2 सेटिंग हो गया। इसके बाद है ALR सेटिंग। ALR सेटिंग का मतलब है कि जो अलार्म, एक तो अर्थ लीकेज का फॉल्ट जब आ जाएगा तब तो पता चलेगा ही, ये एक तरीके से अलार्म का काम करता है। आप इसको 50% 30% कुछ भी सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने इसको 40% पे सेट कर दिया। तो अब क्या होगा कि अगर अर्थ लीकेज 1.2 पर सेट है और अलार्म को हमने 40% किया, तो जैसे ही करंट 480 मिली एम्पियर्स क्रॉस करेगा तो रिले 1 ऑन हो जाएगी और ग्रीन LED ब्लिंक करना शुरू कर देगी। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि अर्थ लीकेज की वैल्यू एक लेवल से ज़्यादा चली गई है। ठीक है, अभी अर्थ फॉल्ट नहीं आया है, पर एक 40% वैल्यू क्रॉस हो चुकी है। ये टाइम डिले है, टाइम डिले हम सेट कर सकते हैं, 60 सेकेंड तक का टाइम कर सकते हैं, पर उसकी ज़रूरत नहीं होती कई बार। तो मान लीजिए हमने इसको 1 सेकेंड पर सेट कर दिया। और इसके बाद रीसेट मेथड है कि आप डिले अगर ट्रिप कर गई तो आप उसको ऑटोमेटिक रीसेट करना चाहते हैं या मैनुअल रीसेट। तो जनरली मैनुअल रीसेट का को प्रेफरेंस दी जाती है। तो हम इसके अंदर जाएंगे पहले। अब हम इधर से चूज कर सकते हैं, सेल्फ मींस ऑटो रीसेट, हैंड मींस मैनुअल रीसेट। तो ये सेटिंग्स हो गई। जैसे ही आप इसको सर्किट में लगाएंगे तो यहाँ पर एक्चुअल अर्थ लीकेज का करंट दिखना शुरू हो जाएगा आपको। और एक इसमें यूनिक फीचर है कि आप किसी भी टाइम ट्रिप हिस्ट्री देख सकते हैं। उसके लिए आपको मिडल बटन 4 सेकंड से ज़्यादा दबा के रखना होगा, जैसे 3 4 5 आप छोड़ेंगे तो आपको ये पिछले 5 फॉल्ट का वैल्यू दिखा देगा, ट्रिप 3, ट्रिप 4, ट्रिप 5।
तो ये इस अर्थ लीकेज रिले के बारे में था। अगर आपको कोई और डाउट्स या क्वेश्चंस हो तो आपको जो ईमेल आईडी और फोन नंबर दिखेगा लास्ट में उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।